जय सियाराम। रामकथा के इस तीसरे सोपान में आप सभी का स्वागत है। पिछली श्रृंखला में हम वहां तक गए थे जहां से गोस्वामी जी काशी से इस कथा को लेकर प्रयाग आते हैं, यानी शरणागत घात की कथा समाप्त होते होते गोस्वामी जी कैसे इसको कर्मकांड घाट पर ले आते हैं और क्यों ये कर्मकांड घाट है, आज इस पर चर्चा करेंगे। प्रयाग में माघ मेले का लगना आदिकाल से, संगम तट पर माघ भर यानी पूरे एक महीने कल्पवास ऋषियों मुनियों की परंपरा में रहा है। समस्त मानवीय संस्कृति, जिसको हम कह सकते हैं, जिसे सनातन संस्कृति कहा जाता है, इस संस्कृति का मूल्यांकन, इस संस्कृति पर विमर्श, इस संस्कृति का अवगाहन, सब कुछ इसी माघ मेले के दौरान ऋषि मुनि महात्मा संत विद्वान आचार्य सब मिलकर किया करते थे। आज प्रयाग में जिस स्वरूप में हम माघ मेले या कुंभ को देखते हैं, पहले जो स्वरूप था इसका वह यह था कि इस पूरे माघ मेले का प्रबंधन, इसकी पूरी व्यवस्था प्रयाग में बसने वाले महर्षि वाल्मीकि के शिष्य भरद्वाज जी किया करते थे। भरद्वाज आश्रम से ही इस पूरे मेले का संचालन होता था, सारे ऋषि महात्मा आते थे और इस मेले में वे अपने विमर्श करते थे, एक दूसरे से विनिमय होता था विचारों का, संस्कृति का निरूपण होता था, उसमें किसी संशोधन की आवश्यकता होती थी तो वो होता था और सब कुछ करते करते ये एक महीने का माघ मेला चलता था। गोस्वामी जी जब काशी से राम कथा गंगा लेकर चले हैं तो वह प्रयाग आकर वहीं टिकते हैं जहां पर भरद्वाज जी का आश्रम है। गोस्वामी जी जब इस कथा को आरंभ करते हैं तो कहते हैं कि अब मैं वह कथा सुनाने जा रहा हूं जिस कथा को महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने प्रयाग में भरद्वाज जी को सुनाया था। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि भरद्वाज जी तो वाल्मीकि जी के शिष्य थे, फिर उनको राम कथा अलग से सुनने की क्या जरूरत पड़ गई। संकेत समझिए, व्यवहार समझिए, जीवन के आदर्श समझिए। मैंने पहले भी कहा था कि राम की कथा केवल राम के जीवन की कथा नहीं है, यह इस सृष्टि में किस रूप में जीना है उसकी कथा है। यह कथा एक संविधान है और उस संविधान को कैसे लागू करना है, कैसे स्वयं पर लागू करना है, कैसे समाज पर लागू करना है, यह हमें समझना है। यह कथा इसीलिए कथा गंगा है, यह कथा इसीलिए ज्ञान यज्ञ है। मैं कोई कथावाचक नहीं हूं, मैं कोई रामकथा का विशेषज्ञ नहीं हूं, कोई विद्वान नहीं हूं, मैं मानस का अध्येता नहीं हूं, लेकिन जो कुछ मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ प्रभु की प्रेरणा से मैं देख पा रहा हूं, जो कह पा रहा हूं, जो कर पा रहा हूं, उसमें बहुत स्पष्ट है कि शरणागति घाट से जब यह कथा इस ज्ञान घाट पर आई, कर्मकांड घाट पर आई है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि सारी बातें वे होंगी जो कर्म में उतरने वाली हों। महर्षि याज्ञवल्क्य और वाल्मीकि जी के संवाद में जो कुछ है वो कर्म है। ये ठीक वैसा ही है जैसे अर्जुन के विषाद के समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी। कुरुक्षेत्र का मैदान था, वो युद्ध क्षेत्र था। यह जो कथा है यह किसी युद्ध क्षेत्र में नहीं, किसी कुरुक्षेत्र में नहीं, धर्म क्षेत्र में कही जा रही है। वहां भी कहा गया है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, लेकिन यह विशुद्ध धर्म क्षेत्र में कथा कही जा रही है। धर्म यानी जो धारण किया जा रहा है, जो मनुष्यता के निर्माण में, जो समाज के निर्माण में, जो परिवार के निर्माण में, जो व्यक्ति के निर्माण में, जिसको धारण करके हमको आगे बढ़ना है, उस धर्म की जो धरती है, उस धर्म की जो भूमि है, उस धर्म का जो आधार है, उस आधार पर इस कथा को महर्षि याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं ऋषि को, भरद्वाज जी को। कैसे सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं, हम इस पर विमर्श की कोशिश करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार किसी समय प्रयाग में माघ मेला लगा। माघ मेला में पूरी धरती से सारे संत समाज के लोग आए हुए थे, सभी विदा हो होकर जाने लगे, लेकिन जो प्रयाग के अधिष्ठाता थे महर्षि
भरद्वाज जी। जब याज्ञवल्क जी जाने लगे तो भरद्वाज जी ने कहा कि मुनि कृपा करके कुछ दिन और रुकिए। मुनि रुक गए। मुनि के रुकने के बाद दोनों ने सामान्य जीवन एक दो दिन जिया और उसके बाद मुनि ने पूछा कि भरद्वाज ये बताओ आपने मुझे रोका क्यों, आखिर रोकने का कोई प्रयोजन होगा? तो भरद्वाज जी ने जिस रूप में याज्ञवल्क जी से अपनी बात कही है ये कर्म की प्रधान वह घड़ी है, वह बिंदु है कर्म का जहां से सभी को सीखना है। सीखना यह है कि हम अपने से श्रेष्ठ किसी व्यक्ति के सामने यदि बैठे हैं या हैं तो श्रेष्ठ के ऊपर अपनी श्रेष्ठता और अपने ज्ञान को उड़ेलने की बजाय हम अपने श्रेष्ठ को सुने। श्रेष्ठ को सुनने में जो आपको मिलेगा वो ज्ञान अद्भुत होगा, वही ज्ञान आपको अस्थायित्व देगा। भरद्वाज जी सारी राम कथा जानते हैं फिर भी वह याज्ञवल्क जी से अनुरोध करते हैं कि प्रभु ये बताइए कि आप हमें वो कथा सुनाइए जिस कथा को सुनने के लिए मैंने आपको रोका है, प्रभु श्री राम के जीवन की कथा क्यों सुनाइए? उसके बारे में वो कहते हैं कि करगत वेद एक शब्द आता है। करगत वेद का मतलब कि जिस वेद जिसकी मुट्ठी में हो, ये शब्द दो बार आया है। तो करगत वेद आपकी मुट्ठी में है ऐसा भरद्वाज जी याज्ञवल्क जी को कहते हैं कि करगत वेद आपके हाथों में है। करगत वेद का मतलब कि वेद का समस्त सार तत्व आप जानते हैं और राम कथा वेद का सार तत्व है, इस आधार पर आप मुझे राम कथा सुनाइए। भरद्वाज जी बड़े अचंभित होते हैं, उनको लगता है कि याज्ञवल्क जी बड़े अचंभित होते हैं, उनको लगता है कि आखिर भरद्वाज जी को हो क्या गया है, ये राम कथा मुझसे सुनना चाहते हैं। भरद्वाज जी तो राम कथा जानते हैं, सब कुछ इनको पता है, फिर भी वो कहते हैं कि भरद्वाज जी मैं आपका आशय समझ रहा हूं, आप ये कथा क्यों सुनना चाहते हैं? बहरहाल मैं आपको सुनाता हूं। और फिर वो उस कथा, अच्छा ये जो संवाद है भरद्वाज जी और याज्ञवल्क जी का, ये भी बड़ा अद्भुत है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आगे की कथा में आएगा। माता पार्वती अपने दूसरे जन्म में, माने सती दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में जब भगवान शिव के पास जाती हैं तो उनसे वो निवेदन करती हैं कि प्रभु हमें वो कथा सुनाइए जो जग पावनी है, जो जिसको जगत सुनना चाहता है, जो राम की कथा है। और वहाँ भी शिव जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर आप ये कथा क्यों सुनना चाहती हैं, आपको तो मालूम है ये कथा। लेकिन दोनों जगहों पर एक ही बात है, ये दोनों श्रोता जगत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, मनुष्यता की कल्याण के लिए इस कथा को अपने से श्रेष्ठ वक्ता से सुनना चाहते हैं। याज्ञवल्क जी कथा शुरू करते हैं और फिर कथा वह शुरू होती है जो बड़ी अद्भुत है। आजकल नवरात्र चल रहा है, हम शक्ति की पूजा कर रहे हैं। हम जिस शक्ति की पूजा कर रहे हैं वह शक्ति कौन है, कहां से है, कैसे है? आज इस कथा का जो संदर्भ है वो वही है। याज्ञवल्क जी त्रेता युग में ले चलते हैं और वो कहते हैं कि एक बार त्रेता युग में ऐसा हुआ था कि भगवान शिव अपनी धर्मपत्नी अर्धांगिनी सती के साथ राम कथा सुनने के लिए दंडक वन गए थे। दंडक वन में महर्षि अगस्त्य रहते थे, कुंभज ऋषि। और जब भगवान शिव माता सती के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने पहुंचकर सबसे पहले ऋषि अगस्त्य का पूजा किया, आरती उतारी और उसके बाद रामकथा सुनने का अनुरोध किया। अगस्त्य जी ने उन्हें रामकथा सुनाई। लेकिन वहां एक बहुत ही अद्भुत चीज हुई सती के मन में। सती के मन में संशय हो गया। संशय इसलिए हो गया कि उनको लगा कि जब स्वयं भगवान शिव
सर्वेश्वर हैं, तो ये भला आकर एक सन्यासी एक ऋषि का पूजन कर रहे हैं और उस ऋषि से कथा सुनना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? संशय यहीं से शुरू। और पूरी कथा हुई, भगवान शिव ने सुना, भगवान शिव ने भक्ति की दक्षिणा दी और दक्षिणा देने के बाद अगस्त ऋषि के घर से आश्रम से वह चले कैलाश के लिए, सती भी साथ हो ली। स्वाभाविक है कि सती का मन कहीं कथा में लगा नहीं रहा होगा, वो साथ चली। लेकिन भगवान शिव तो अद्भुत स्वरूप में थे, बड़े खुश बड़े प्रसन्न अपने में मगन सती के साथ चले वो कैलाश के लिए। अब इस बीच भगवान शिव यह सोचते जा रहे थे कि त्रेता चल रहा है और भगवान नारायण ने बड़े गोपनीय तरीके से धरती पर अवतार लिया है। काश ऐसा होता कि अभी कथा सुन के उनकी आ रहा हूं, कहीं रास्ते में उनके दर्शन भी हो जाते। अभी यही सोचते गुनते बुनते भगवान शिव चले जा रहे थे तब तक उन्हें दिखाई पड़ा कि रावण और मारीच ये दोनों जा रहे हैं माता सीता का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं, कर भी लिया, मायावी स्वरूप लिया और लेकर चले गए। थोड़ा और आगे बढ़े भगवान शिव तो देखते हैं कि पीछे पीछे भगवान राम लक्ष्मण रोते बिलखते चले जा रहे हैं। भगवान शिव ने बड़े मन से भगवान को प्रणाम किया इस बात के लिए कि हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिया, अभी मैं आपकी कथा सुन के आ रहा हूं। और वहां वह सच्चिदानंद कहते हुए उनको प्रणाम करते हैं। सती को फिर यहां एक शंका हुई, फिर संशय हुआ। बड़े विचित्र स्थिति है भाई, दो राजकुमार सन्यासी रूप में चले जा रहे हैं, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया है, मनुष्य हैं और ये हमारे देव जो देवाधिदेव हैं ये उनको प्रणाम कर रहे हैं और सच्चिदानंद कह रहे हैं। भला सच्चिदानंद होते तो क्या अपनी पत्नी का अपहरण किसने किया ये न जान पाते? और उनकी पत्नी का अपहरण होता क्या अगर भगवान है तो? सती के मन में बड़ा संशय हुआ। भगवान शिव से उन्होंने कहा तो बहुत समझाने बुझाने सब कुछ करने के बाद भी भगवान शिव समझ तो गए कि अब बहुत कुछ गंभीर होने वाला है। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है सती, ऐसा करो आप जाओ जहां वो जा रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे, आप जाओ और उनकी परीक्षा लेकर आओ, तब तक मैं यहीं एक बरगद का ये पेड़ है यहीं मैं नीचे बैठा हूं। भगवान बैठ गए, सती जी परीक्षा लेने चल दी और परीक्षा लेने चल तो दी लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि मैं परीक्षण लूं कैसे। बहरहाल वो वहां पहुंच गई जहां भगवान राम और लक्ष्मण जी चले जा रहे थे। सती ने सोचा कि क्यों ना मैं ही सीता का वेश बना लूं। उन्होंने सीता का वेश बनाया और जिस रास्ते पर भगवान राम और लक्ष्मण जी चले जा रहे थे उस रास्ते पर ही आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण ने देखा कि आगे ये जो स्त्री जा रही है स्वरूप तो इनका माता सीता का है, मतलब भाभी जैसा है, लेकिन भाभी भला आगे आगे क्यों जाएंगी? भाभी तो हमेशा भैया के पीछे चलती है। उनके मन में संदेह हुआ, भगवान राम समझ गए कि लक्ष्मण के मन में संदेह है, लेकिन भगवान तो कौतुकी जिनको कहा जाता है सब जानते ही थे। भगवान थोड़ा आगे बढ़े और अपने पिता के नाम के साथ मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ माता, ऐसा कहते हुए उन्होंने सती को प्रणाम किया। सती बड़े आश्चर्य में कि ये तो मुझे पहचान गए, अब मैं क्या करूं? फिर भी उनको नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे क्या किया जाए। साथ में भगवान ने यह भी पूछ दिया कि आप यहां माता अकेले इस घनघोर जंगल में क्यों घूम रही हैं? मेरी पत्नी का तो अपहरण हो गया इसी जंगल से, आप यहां क्यों घूम रही हैं? और वृष केतु कहां है? भगवान शिव बाबा कहां है?
सती को काटो तो खून नहीं। सती ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, समझ तो सब नहीं, बोली कुछ नहीं और चुपचाप वहां से उसी अपने स्वरूप को परिवर्तित किया और चली आई जहां भगवान शिव बैठे हुए थे। भगवान समझ गए। भगवान शिव ने पूछा बड़े मुस्कुराते भाव से कि परीक्षा ले लिया तुमने? तो स्त्री का एक स्वरूप वहां आता है, मैं अभी इस पे बात करूंगा आगे यदि आज संभव हुआ तो, नहीं तो अगले एपिसोड में। सती ने कुछ मतलब सती समझ पाती, इससे पहले सती का वह माया जो स्वरूप था, जो माया थी, उस माया इतनी हावी हुई कि सती से उसने झूठ बोलवा दिया। सती ने कहा कि नहीं प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने प्रणाम किया और चलिए। भगवान शिव को लगा कि ऐसा तो संभव नहीं है, मैंने इतना समझाया इनको, इतना सब कुछ किया, तब ये मानी नहीं और गई और केवल प्रणाम करके चली आई, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान शिव ध्यान में चले गए और उन्होंने ध्यान में जाकर सब कुछ देख लिया, कैसे सती ने माता सीता का रूप बनाया है, कैसे वो आगे आगे जा रही हैं, कैसे प्रभु उनसे सवाल करते हैं और सती कैसे संकोच करते हुए फिर कैसे वापस आती हैं। भगवान शिव सब समझ गए। भगवान ने कहा कि अब तो सती का कोई कल्याण नहीं संभव, और जो ऊपर वाले ने लिख दिया वही है वही जो राम रच राखा। भगवान ने मन ही मन एक संकल्प ले लिया कि हे सती, अब इस जीवन में तुम्हारे साथ तो मेरा गृहस्थ धर्म चल नहीं सकता। इसी को शिव संकल्प कहा जाता है। भगवान ने जब संकल्प लिया तो तुरंत आकाशवाणी हुई, सारे देवताओं ने भगवान की खूब सराहना की, जय हो की जो गूंज लगी। तो ये सब कुछ सती को भी सुनाई पड़ा। सती ने कहा कि आपने कौन सा संकल्प ले लिया? शिव ने कुछ बोला नहीं, उन्होंने कहा चलो। और वह संकल्प लेकर भगवान शिव कैलाश आए और कैलाश में आते ही वह लंबे ध्यान में चले गए। कथा कहती है कि वो 87,000 वर्ष के लिए ध्यान में चले गए। 87,000 साल के बाद उनका ध्यान टूटा, भगवान राम की वंदना और भक्ति और उनके गीत गाते उनके शब्द निकले तो सती को लगा कि चलो हमारे स्वामी ध्यान से लौट आए हैं, अब इनसे बात करते हैं, शायद ये हमें क्षमा कर दें। कैलाश में एक वट वृक्ष है, उसकी चर्चा आगे होगी। उसी वट वृक्ष के नीचे बाबा बैठे हुए थे। सती उनके पास गई तो बाबा ने उनको सामने बिठाया और सामने बिठाकर कुछ कहने की कोशिश शुरू की। कथा ही थी, जो भी कहना था वो कथा ही थी। क्या कथा थी, क्या कोशिश थी, कैसे यह सब हुआ, अगले एपिसोड।